हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कैपलर्स लॉ और प्लानिटरी मोशन। तो कैपलर्स लॉ क्या होता है, उसमें आज के वीडियो में हम लोग कैपलर्स का थ्री लॉस देखने वाले हैं। यह है इलिप्स। इलिप्स एक ओवल शेप में होता है और उसके दो फोकल पॉइंट होते हैं। तो एक ये पॉइंट है, एक ये है। तो फर्स्ट कैपलर्स फर्स्ट लॉ में क्या होता है, कैपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है? अच्छा, ये जो ओवल शेप में है वो क्या है? एलिप्स है। तो ये क्या है? ऑर्बिट है। तो यहाँ पे प्लैनेट क्या है? प्लैनेट अपने ऑर्बिट में मूव करता है, तो क्या बोलेंगे? द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स। ये जो ऑर्बिट है, प्लैनेट जहाँ पे मूव कर रहा है सन के आजू बाजू, वो क्या बन रहा है? एलिप्स बन रहा है। और सन कहाँ है? दो फोकस में से एक फोकस पे सन है। तो हम लोग क्या फर्स्ट लॉ बोलेंगे? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। प्लैनेट सन के आजू बाजू अपने ऑर्बिट में मूव करता है और जो सन है वो दो फोकस पॉइंट में से एक फोकस पॉइंट पे सन है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। ये जो ऑर्बिट बना है जिसमें प्लैनेट मूव करेगा, वो एक इलिप्स बनाता है किसके साथ? सन के साथ। और सन क्या है? दो फोकस पॉइंट में से एक फोकस पॉइंट पे सन है। ये भी एक फोकस पॉइंट है, ये भी एक फोकस पॉइंट है। तो वन ऑफ द फोकस पॉइंट, तो सन कहाँ है? वन ऑफ द फोकस पॉइंट। तो ये क्या है? प्लैनेट जो है अपने ऑर्बिट में मूव करेगा और एक इलिप्स बनता है, और जो सन है वन ऑफ द फोकस पे प्रेजेंट है। अभी सेकंड ज्वाइनिंग सन, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू सन स्वीप्स। ये यहाँ से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रहा है। कि एक महीने में, मान एक महीने में ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है प्लैनेट, ठीक है? एक महीने में मूव कर रहा है, तो इसने इतना एरिया कवर किया। और सेम वन मंथ में ये यहाँ से यहाँ एरिया कवर करता है। तो ये क्या है? ए बी, ये सी एंड डी है। तो ये इतना एरिया कवर कर रहा है वन मंथ में, और सिमिलरली ये वन मंथ में यहाँ पे भी एरिया कवर कर रहा है। तो यहाँ पे सेकंड में क्या आएगा? द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया और एंड इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब प्लैनेट जो है एक लाइन ज्वाइन कर रहा है प्लैनेट से सन के बीच में, और ये स्वीप कर रहा है। स्वीप मतलब ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रहा है। तो ये एक महीने में जितना एरिया कवर कर रहा है, चाहे ये यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ, तो जितना एरिया कवर करेगा उतना इंटरवल ऑफ टाइम लगेगा। तो ये सेकेंड पॉइंट है। तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे? द लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो यहाँ पे जो एरिया कवर किया है, तो वो एरिया क्या है? एरिया ऑफ ए एस बी। और सेम उतने ही टाइम में एरिया ऑफ सी एस डी कवर करने में टाइम लगता है। एक महीने में ये एरिया कवर करने में टाइम लगता है, उतना ही टाइम में इतना एरिया कवर करने में टाइम लगता है। तो ये एरिया, जितना एरिया है उतना एरिया कवर करने में इतना टाइम लगता है। तो सेकंड में क्या आएगा? लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन इक्वल्स एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये एरिया को जितना कवर करने में टाइम लगेगा, उतना ही टाइम यहाँ सी से डी और डी ई से एफ तक पहुँचने में टाइम लगता है। इस और कैपलर सेकंड लॉ को हम लोग लॉस ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। एंड लास्ट थर्ड लॉ। अभी थर्ड लॉ क्या होता है कि ये प्लैनेट है, प्लैनेट पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है,
एक पूरा प्लैनेट को सन के एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगा है वो टाइम टी है, ठीक है। और जो डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस कम है, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ से ज़्यादा है। अच्छा, प्लैनेट जब सन के करीब रहेगा तो उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, और जैसे जितना दूर जाएगा उतना स्पीड उसका कम होते जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसका हम लोग लेंगे एवरेज, इसका लेंगे हम लोग एवरेज डिस्टेंस। तो क्या लेंगे? एवरेज डिस्टेंस। तो एवरेज डिस्टेंस क्या है? आर। तो यहाँ पे थर्ड लॉ क्या है? जो टाइम है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है सन और प्लेनेट का, उसका क्यूब 3। ये इसका थर्ड लॉ है। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द प्लैनेट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? ये अल्फा है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब ये प्रोपोर्शनल साइन जब हटेगा तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा, और ये कॉन्स्टेंट का नाम है के है। तो के क्या है? प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है। तो के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो ये थर्ड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या आता है? द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स, इज एन इलिप्स विद सन एंड वन ऑफ दी फोकस, वन ऑफ दी फोकाई। एंड सेकेंड क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू दी सन स्वीप्स, स्वीप्स मतलब एरिया कवर करना, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड क्या है? प्लैनेट को एक पूरा चक्कर लगाने में टाइम जो लगता है वो टी है, एंड एवरेज जो डिस्टेंस है सन और प्लैनेट का वो क्या है? आर है। तो द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स डिस्टेंस, एंड टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। के इज इक्वल टू, रीअरेंज करके क्या आएगा? के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो ये हो गया कैपलर्स का थ्री लॉ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।